कभी सोचा है कि उन पायलटों के लिए कोई सजा है जो अपने फाइटर जेट से इमरजेंसी इजेक्शन करते हैं, तो क्या उन्हें फाइटर जेट्स उड़ाने से बैन करता है क्योंकि वे अरबों का नुकसान कर देते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है जो आपको लगता है। मॉडर्न इजेक्शन सीट में दो फेज सिस्टम होती है, पहला इजेक्शन गन जिसे पायलट एक हैंडल को खींचकर एक्टिवेट करता है जो सीट को ऊपर और फाइटर जेट से बाहर ले जाता है। दूसरा फेज एक रॉकेट है जो सीट के नीचे लोकेटेड होता है, जो पायलट और सीट को उसमें लगा रॉकेट लगभग 0.2 सेकंड में जेट से 100 फीट दूर फेंक देता है। इस दौरान पायलट अपने पर ग्रेविटेशनल फोर्स के 14 से 16 गुना ज्यादा फोर्स का अनुभव करता है, जो पायलट को कॉकपिट से गर्दन तक टकराने से लेकर पैर के फ्रैक्चर तक एयर ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप चोट लगने से गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। लगभग 30% पायलटों को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से पायलट को फाइटर जेट को फिर से उड़ाने से मेडिकली बैन कर दिया जाता है।